नमस्कार, स्वागत है आपका। सारा अली खान इन दिनों अलग अलग वजहों से चर्चा में है। ड्रग्स को लेकर के बातचीत हो रही है, एनसीबी अलग अलग खुलासों के साथ सामने आ रही है। इसके अलावा कभी गोवा से आती हुई तस्वीरें, तो अब एक और खबर सामने निकल कर आई है। ये खबर खुद सारा अली खान ने ही सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया है कि कैसे अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर उन्हें रोक दिया जाता है और वहां उनसे घंटों पूछताछ होती है, घंटों उन्हें रोकर उन्हें वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और उसके बाद जो है कई ऐसे सवाल होते हैं जिनसे वो परेशान भी हो जाती होंगी निश्चित तौर पर। अब इनका कारण क्या है? आपको याद होगा शाहरुख खान के साथ ऐसा हर बार होता है, जब भी वो अमेरिका जाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, उनके सरनेम की वजह से प्रॉब्लम होती है ये। और इसी वजह से एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा माय नेम इज खान, और उसका जो सब एक जो उसके साथ लाइन अटैच थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि किस तरह से 9/11 के बाद दुनिया भर के मुस्लिम्स को अमेरिका में एंट्री कितनी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो गई थी। उसके बाद कई आंकड़े ऐसे चले जिसमें यह बताया गया कि कई लोगों को डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया गया, कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया, और बाद में क्या पता चला कि उन लोगों का इस पूरे के पूरे मसले से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सारा अली खान के साथ दो वजहों से उन्हें रोका जाता है। सारा अली खान को क्यों रोका जाता है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। उनको पहली बात तो ये कि शाहरुख खान के कारणों की वजह से नहीं रोका जाता है, यानी उनके सरनेम की वजह से नहीं रोका जाता है। जो पहली वजह उन्होंने सार्वजनिक की है वो है उनकी पासपोर्ट में लगी तस्वीर, क्योंकि ये स्टूडेंट वीजा है। इसमें जो उनकी तस्वीर लगी हुई है उसमें वो बहुत मोटी है, 96 किलो उस समय पे उनका वजन था। और उस वक्त का ये मेरे साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उनके पासपोर्ट पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो आज की सारा, अब जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए, आज की सारा अली खान की तस्वीर देखिए और उस सारा अली खान की तस्वीर देखिए जो कि 96 किलो की थी। आज शायद उनका वजन 50-60 से ऊपर नहीं होगा, तस्वीर को देखकर यही लगता है। अब दूसरी बात, और इस वजह से जब वो अपना पासपोर्ट दिखाती है तो ऑफिसर्स जो है, जो इमिग्रेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और ये कौन है, क्योंकि दोनों में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अंतर है। हम और आप तो इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमने वो शायद ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, क्योंकि सारा उसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुकी है कि कैसे वो पढ़ाई के दौर में बहुत मोटी हुआ करती थी और अब पतली हो चुकी है। तो हम क्योंकि उनकी कहानियों को बार बार सुन चुके हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर को समझ सकते हैं, लेकिन यूएस इमिग्रेंट्स कहां समझेंगे। वो लगातार इस तस्वीर को लेकर के पूछताछ करते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उनके सरनेम में स्टूडेंट वीजा में सुल्तान नाम अटैच है। सुल्तान नाम की वजह से ही, जो उनका सरनेम है उसमें सुल्तान शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसी शब्द की वजह से थोड़ा सा और चौंक जाते हैं क्योंकि दो अलग अलग नाम है। अब आप अगर उनका नाम देखें तो सारा अली खान है, लेकिन उस नाम में जो स्टूडेंट वीजा में नाम है उसमें सुल्तान नाम का भी जिक्र है पूरे नाम में। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिस वजह से सारा अली खान को, जब वो अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, जब उनकी फ्लाइट लैंड करती होगी और वो बाहर जाती हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है, घंटों की पूछताछ होती है, ये सारी चीजें वेरीफाई कराई जाती है, निश्चित तौर पर इंडियन एम्बेसी में भी बात की जाती होगी, और इन सब चीजों के बाद, इन जद्दोजहद के बाद उन्हें जाने दिया जाता है। वो कई बार अमेरिका इसलिए भी जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से की है, उनके दोस्त काफी वहीं हैं। आपको उनके इंस्टाग्राम पर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो अमेरिका में है। तो ये दो अहम कारण सारा अली खान अमेरिका में बहुत आसानी से क्यों नहीं जा सकती है। अलग अलग वजहों से फिलहाल तो एनसीबी की परेशानी ज्यादा बड़ी है अमेरिका जाने की परेशानी से। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।